हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैंने पिछले वीडियो में यह ड्रीमल टूल आपको बनाकर दिखाया था गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसमें गाइस हम कटर ब्लेड लगाकर प्लास्टिक, पीवीसी शीट और लकड़ी वगैरह आसानी से कट कर सकते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में कट कर दिखाया भी था, तो उसमें मैंने जो ब्लेड यूज़ किया था उस ब्लेड को मैं आज आपको बना कर दिखाऊंगा गाइस। काफ़ी इजी तरीके से आप भी बना सकते हो। अगर आप इसी टाइप का ब्लेड मार्केट में परचेस करे जाओगे तो आपको 200 से 300 रुपए के बीच में मिलेगा, लेकिन आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसे कैसे घर पर बनाना है। इस रोटरी कटर ब्लेड को बनाने के लिए गाइस मैंने इस टाइप की पुरानी घड़ी का यूज़ किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये टूटी फूटी घड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो आप भी ऐसी घड़ी को लेना जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा हो, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहले इस घड़ी को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पीछे से इस टाइप से इसे ऊपर की ओर धकेलेंगे तो इसका कैप जो है खुल जाएगा। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इसकी कैप की ही ज़रूरत है, बाकी घड़ी का यूज़ आप किसी और काम के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हम इस कैप को ले लेंगे और देख सकते हो बिल्कुल गोल है और यह जो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो इस ब्लेड में जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो गाइस ये देख सकते हो मैंने एक और ब्लेड पहले से बना कर रखा हुआ है। सेम इसी टाइप से फ्रेंड्स हमें इस कैप को भी बनाना होगा। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हम इस कैप का जो है सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इसका डायमीटर जो है 42 mm है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21 mm। तो यहाँ पर मैं फटाफट मार्किंग करके यहाँ पर होल करेंगे। तो ड्रिल मशीन की मदद से मैं होल कर लेता हूँ। आपके पास ड्रिल मशीन नहीं तो आप किल से ठोक कर भी होल कर सकते हो। यहाँ पर गाइस देख सकते हो इस कैप के चारों ओर में बाउंड्री बनी हुई है जो ऊपर की ओर उठी हुई है, तो हमें इन सभी को घिस करके फ्लैट करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडर मशीन बनाया है डीसी मोटर से। तो इसकी मदद से मैं इसे चारों ओर से घिस कर इसे अच्छे से फ्लैट कर लूँगा। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से यह ग्राइंडर मशीन वर्क करता है। अगर आपको भी बनाना है तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप भी घर पर बना सकते हो। और गाइस मैंने कुछ दिन पहले यह ग्राइंडर मशीन एक और बनाया था टेबल सॉ, तो इसकी मदद से भी हम आसानी से इसे फ्लैट कर सकते हैं। तो इससे काम थोड़ा और भी जल्दी हो रहा है। अगर आपको भी ये टेबल सॉ बनाना है 775 डीसी मोटर के यूज़ करके, तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी मेकिंग वीडियो दे दिया है, तो क्लिक करके बाद में देख लेना। फ्रेंड्स, ये मैंने इसे घिस करके अच्छे से फ्लैट कर दिया है और आप देख सकते हो बिल्कुल सिक्के की तरह दिखाई दे रहा है। गाइस अभी हम इसे ब्लेड की तरह यूज़ में लेंगे तो कुछ भी इसे कटने वाला नहीं है। हमें सबसे पहले तो इसमें धार लगाना होगा। तो इसके लिए गाइस मैं ये रेती लेकर आया हूँ। तो ये आपको हार्डवेयर की दुकान पर 30-40 रुपए के में आराम से मिल जाएगा और ये आपको काफ़ी दिन चल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हम इस सिक्के को यानी हमारे जो वॉच का जो कैप है इसे यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं ब्रेंच वाइज में। आप यहाँ पर कुछ दूसरे चीज़ का यूज़ कर सकते हो इसे दबाने के लिए। यहाँ पर गाइस मैं इस रेती की मदद से यहाँ पर घिस कर इसका तीत बनाते जाऊँगा। तो इसके तीत को हमें एकदम खड़ा नहीं रखना है, हमें इसे एंगल देते हुए घिसना होगा ताकि इसका तीत जो है थोड़ा एंगल में बने, जैसे कि आरी वगैरह में होता है ना, सेम उसी टाइप से हमें यहाँ पर तीत बनाना होगा। तो मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ कि मैंने इसमें किस टाइप से तीत बना रहा हूँ, उसी टाइप से आपको भी बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा एंगल देते हुए इसका तीत बना रहा हूँ और इसके सर्कल में काफ़ी सारे तीत बनाने होंगे, तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। तो आप आराम से यहाँ पर तीत बनाते जाइएगा गाइस, कोई भी टेंशन ना लीजिए। आराम से गाना सुनते हुए यहाँ पर आप इसमें तीत बनाते जाइएगा और इसमें कोई झंझट नहीं है, बस आपको घिसते जाना है थोड़ा एंगल देते हुए और सभी तीत जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, बस यही फॉलो करते जाना है और आपका जो है कटिंग ब्लेड बन जाएगा। तो फटाफट मैं आपको करके दिखाता हूँ। गाइस तो फाइनली 30 मिनट के हार्ड वर्क करने के बाद मैंने इसके चारों ओर तीत बना लिया है और देख सकते हो गाइस बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले ब्लेड की तरह दिखाई दे रहा है। तो गाइस इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो इस मेहनत के लिए गाइस एक लाइक तो करना बनता है। गाइस आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में हीट गन की मेकिंग वीडियो लाने वाला हूं, तो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब गाइस हमारा जो ब्लेड है इसमें मैंने एक बोल्ट और नट बोल्ट कस दिया है ताकि मैं इसे ड्रिमल टूल में फिक्स कर सकूं। तो चलिए गाइस अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि अच्छे से इसमें कटिंग कर पाता है कि नहीं।
फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको MDF बोर्ड में कटिंग करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से MDF बोर्ड की कटिंग कर रहा है। तो इसी टाइप से गाइस, आपके पास कोई पतला लकड़ी वगैरह है तो उसमें भी आप इसे कटिंग कर सकते हो। इस ब्लेड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी मजबूत ब्लेड बना है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक गिलास में भी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये प्लास्टिक का गिलास है और ये देख सकते हो मोटा प्लास्टिक है, लेकिन ये ब्लेड जो है बिल्कुल अच्छे से इसमें कटिंग कर रहा है। और इस ब्लेड में गाइस ज़रा से भी वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये चल रहा है। अब गाइस मैं आपको प्लास्टिक यानी PVC शीट पर भी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह कटा है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल ब्लेड है गाइस, आप भी ज़रूर से अपने घर पर बनाना। इसी टाइप से गाइस मैंने काफ़ी सारे ब्लेड बनाया हुआ है, कुछ छोटे साइज का है, कुछ बड़ा साइज का है। तो कई कई बार गाइस जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें PVC पाइप वगैरह के बीच में स्विच कनेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर होल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्विच के लिए। तो वहाँ पर गाइस हम इस टाइप से छोटा ब्लेड बनाकर आसानी से वहाँ पर कटिंग करके SPST स्विच को वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने काफ़ी अच्छे से हमारे ड्रिमिल टूल की मदद से मैंने होल बना लिया है और यहाँ पर SPST स्विच काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जा रहा है। तो इसी टाइप से गाइस आप छोटा ब्लेड भी बना लेना, काफ़ी ज़्यादा आपका काम आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और गाइस आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई एडवाइस या सजेशन हो तो मुझे कमेंट कर बता देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।